दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों की याद में सोलन भाजपा द्वारा कंडाघाट बाजार में पाकिस्तान के खिलाफ रोष रैली निकाली गई। वह कंडाघाट के बस स्टैंड पर पाकिस्तान का पुतला भी फूंका गया। रैली रेस्ट हाउस मेन बाजार होते हुए कंडाघाट बस स्टैंड तक निकाली गई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। सोलन भाजपा के नेता राजेश कश्यप ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि पाकिस्तान को नक्शे से ही गायब कर दिया जाए। आज कंडाघाट में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, हमारे नेता है, हम सब ने जो है पाकिस्तान के खिलाफ आज एक बहुत जबरदस्त रैली निकली है यहाँ पे। जिस तरह से पाकिस्तान ने और जो आतंकवादी है पाकिस्तान समर्थित, उन्होंने पुलवामा में हमारे नौजवानों को जो है धोखे से मारा है, उसके खिलाफ जो है जो आज एक बहुत रोष है लोगों में यहाँ पे, गांव-गांव का जो है हमारा नौजवान वो त्रासित है पूरी तरह से और वो पाकिस्तान को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा। हम माननीय मोदी जी से जो है प्रार्थना करते हैं कि पाकिस्तान को जो है दुनिया के नक्शे से खत्म कर दे। बस ये हमारी जो है, ये आज यहाँ के जितने जो हमारे युवा है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से खत्म होना चाहिए। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा की रिपोर्ट। पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषणों का संगम भूषण ज्वेलर्स सोलन ग्राहकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। त्योहारी सीजन पर शुरू की गई सौभाग्य उत्सव योजना के तहत एक लकी विजेता को इयोन कार, 5 अन्य विजेताओं को स्कूटी और 20 कंसोलेशन प्राइज दिए गए। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि अब ग्राहकों को आभूषणों के लिए चंडीगढ़, अम्बाला एवं दिल्ली जैसे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। उनका कहना है कि भूषण ज्वेलर्स सभी लोगों के सोना पहनने के ख्वाब को न मात्र पूंजी पर किटी खोलकर पूरा कर रहा है। यही नहीं, भूषण ज्वेलर्स शादी विवाह के अवसर पर ग्राहकों को विशेष उपहार प्रदान कर रहा है। तो आज ही चले आइए भूषण ज्वेलर्स सोलन।